इस वाले क्लास में अभी जो हम लोग सीखेंगे ये सीखेंगे कि फोटोकॉपी हम लोग कैसे करते हैं। किसी के पास में मार्कशीट वगैरह है? नहीं है। एक सेकंड में देखता हूँ कुछ अगर हो। यदि ये मान लीजिए कि कोई डिटेल्स है, इंटरेस्ट कम टी डी एस सर्टिफिकेट है, इसको हमको प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे? या तो हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे रखेंगे। दोनों सिचुएशन में मेरा क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। इसको हम लगाए, उसके बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखेगा, आप इनको दिखाएंगे, एक ब्लैक है, दूसरा क्या है? कलर। अगर ब्लैक पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होगा, ठीक है। जस्ट एक बार हम इस पर क्लिक मतलब प्रेस करेंगे, ठीक क्या होगा, पेज लिया, अब इन्हीं को प्रिंट करेंगे। और अगर बीच में ही हमको लगे कि स्टॉप करना है, बंद करना है जी, यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करके इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। ये देखिए मेरा प्रिंट होके निकल के आ गया है जी, ठीक है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जब हम आधार कार्ड को प्रिंट करेंगे ना तो कुछ प्रॉब्लम आएंगे। कोई एक रखो जी, रखो जी, कोई एक रखो, कैसे रखेंगे जो प्रिंट हो जाएगा जी? ना, छोड़ दीजिए जी, इस टाइप से रखा है। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे, ब्लैक पे क्लिक किए जी, ये देखिए कुछ इस टाइप से प्रिंट हो गया। ऐसे प्रिंट होना चाहिए? नहीं सर। ये कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए जी। और इसके बगल इस साइड रखना चाहिए। हाँ, कैसे रखेंगे जी बताएं कुछ? इसको इस साइड रखना चाहिए था। हाँ जी, मिस्टेक हो गया सर। हाँ जी, लेकिन ये वाला इधर आ जाएगा। हाँ जी, ठीक। तो ये उल्टा हो जाएगा जी, फिर ये यहाँ पे। अच्छा, अब कोई पेज रख के दिखाएं हमको जी, पेज कैसे रखेंगे अब जी? इनको भी दिखाएं जो रखे थे पेज जी। हाँ जी, ये क्या हो गया? नीचे। इस टाइप से प्रॉब्लम हो गया जी। यहाँ ऊपर प्रिंट ये होगा, नीचे यहाँ हो गया, ये उल्टा पुल्टा हो गया जी। और एक चीज ध्यान रखिए, ये जब भी प्रिंट करता है ना तो पहले इस वाले साइड को प्रिंट करता है। किस साइड को करता है? इस वाले साइड को करता है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड लगाएंगे, जब भी आधार कार्ड लगाएंगे इस साइड लगाएंगे। अब डिसाइड ये करना है कि इसको यहाँ लगाना है ऐसे, या फिर यहाँ पे ऐसे लगाना है जी। आपको क्या लगता है बता सकते हैं? जो मेरा सीधा हो, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे आधार कार्ड प्रिंट हो, फिर यहाँ पे ऐसे प्रिंट हो जी। बताए जी, यहाँ पे लगाना है ऐसे, या फिर यहाँ पे लगाना है? लगाना, इधर ही लगा देना जी। अच्छा ठीक है जी, इधर ही लगा देते हैं जी। ये बिल्कुल जो है ना, देखते हैं जी क्या होता है जी। ब्लैक ही प्रिंट करते हैं जी, इसी को लगा देते हैं, तब तक पेज ले लेते हैं। ये फिर एरर आ गया जी, अटक गया। ये प्रिंटर में अभी प्रॉब्लम चल रहा है जी। फिर से इसको क्या करेंगे, वैसे ही निकालेंगे जी। इसको बड़े प्यार से ऊपर की ओर खींच लेते हैं जी। कैंसिल सर बटन नहीं है इसमें। पहले तो इनको हम साइड करेंगे जी, ठीक है। उसके बाद इनको हम धीरे धीरे ऊपर की ओर खींच लेंगे जी। पेज फटा नहीं है, अगर पेज फट जाएगा, अंदर में कुछ रह जाएगा, पहले उसको निकाल लेना है जी अच्छे से। अब इसको फिर से क्या करेंगे, पहले बंद करेंगे, उसके बाद फिर से इसको ऑन करेंगे, तो ये रेडी हो जाएगा जी। यहाँ पे ना एक चीज इनको दिखाएं, यहाँ पे ट्रे में ना इसको छोटा बड़ा करने के लिए होता है जी, थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हैं जी। इसको चाहे तो हम सटा भी सकते हैं, या नहीं तो फिर दूर भी रख सकते हैं जी, ठीक है। और इसमें जब भी जाएगा लगभग A4 साइज के लिए ही आता है। इसको और छोटा बड़ा कर सकते हैं, अगर पेज छोटा बड़ा रहेगा तो, जैसे आप बैंक वगैरह में जाते होंगे तो वो छोटा सा स्लिप निकाल के देता है जी, वो पेज, ताकि इधर उधर ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए इनको सटा देते हैं जी, ताकि पेज को पकड़ के ही रखें। हम इसमें पेज डालें, अब यहाँ से हम लोग ब्लैक पे क्लिक करते हैं। जब भी एरर आएगा, एरर के बाद जब भी हम काम करेंगे तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा जी। आपको दिख रहा है रुपेश?
दिखना चाहिए जी, समझना है। स्कूल कॉलेज में या किसी दुकान पे जाएंगे पता चलेगा, कोई फोटो कॉपी वाले ने खुद से भी कर सकते हैं। और ये सब नॉर्मल जानकारी है। अब देखिए ये सही पोजीशन पे इस बार प्रिंट हुआ है। सही है। अब फिर क्या करना है, इस पेज को जो रखना है ना तो इसको नीचे की ओर रखना, क्योंकि जब भी प्रिंट होगा नीचे वाला ही होगा, यानी पहले उसी साइड वाला प्रिंट होके निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही सेम रखना है। उसके बाद आधार कार्ड को जो है ना जस्ट यहीं पे रखना है और यहीं पर से इसको मोड़ देना है। अगर थोड़ा से भी ना आप उठा लिए जी, उठा के रख लिए, अब जब रखेंगे ना ये आधार कार्ड क्या होगा, थोड़ा से नीचे ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा क्या? देखिएगा भी हो जाएगा, लेकिन हमको थोड़ा सा आइडिया है तो हम इसको ना इस टाइप से खिसका लिए। उसके बाद ब्लैक पर क्लिक किए, फिर भी देखिएगा एक्यूरेट नहीं आएगा जी, थोड़ा सा नीचे ऊपर रहे। और हम अगर हम चाहें तो ये एकदम बिल्कुल एक्यूरेट भी प्रिंट हो सकता है। वो कैसे होगा एक बार फिर से भी आपको हम समझाएंगे। ये हुआ थोड़ा सा जी नीचे ऊपर, इनको दिखाएंगे। और हम चाहते हैं एकदम बिल्कुल एक्यूरेट सीधा रहता, बिल्कुल सीधा रहता, तो इनके लिए क्या करते हैं, इसी आधार कार्ड को बिना उठाए क्या करेंगे, इसको सिर्फ इस टाइप से पलट देना है जी। कहीं जाएगा इधर उधर, इक्वल रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा जी। ठीक है, ठीक। और इसमें कुछ समझना है ये बताएं? नहीं सर, हो जाएगा सब, हो जाएगा। ठीक है, एक अलग क्लास में बताएंगे स्कैन कैसे करते हैं, इस क्लास में इतना ही रहेगा। सबको समझ में आया ना जी? यस सर। ठीक है जी, ठीक है सर।